नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान आया है जनता दरबार को लेकर। जनता दरबार के बारे में बताएं कि 5 सालों बाद जनता दरबार लगाया गया है। और जनता दरबार, जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद ऐलान कर दिया था कि वो जनता दरबार लगाएंगे, तो इसकी शुरुआत अब हो चुकी है और जनता दरबार की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। हालांकि बाहर में जरूर कुछ हंगामा हुआ, लोगों का आरोप था कि उन्हें जनता दरबार में जाने का मौका नहीं दिया गया। तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन जनता दरबार चल रहा है। अभी जनता दरबार में नीतीश कुमार मौजूद हैं। तो नीतीश कुमार का जनता दरबार, आपको याद दिलाएं कि जब पिछले सालों में जब लगा करता था तो उसका एक अलग क्रेज था, ऑन द स्पॉट सुनवाई होती थी। तो कुछ उसी अंदाज में फिर से नीतीश कुमार आ गए हैं और जनता के दरबार में जनता की सुनवाई करने के लिए बैठे हुए हैं और ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। अधिकारियों को तमाम तरह के निर्देश दे रहे हैं। हालांकि जनता दरबार में तरह तरह की बातें भी सामने आएंगी, किस तरह से अधिकारी प्रताड़ित करते हैं ये बातें भी सामने आएंगी। आरोप लग भी रहे थे। अभी जो थोड़ी देर पहले तस्वीरें आई, जो लोग पहुंच रहे थे वो शिकायत उनका प्रशासन के खिलाफ था, पुलिस के खिलाफ था। इस तरह के लोग पहुंच रहे हैं। तो अब जनता दरबार पर हमला बोल दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता जो हैं राकेश रोशन, उनका बड़ा बयान सामने आया है। हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। बिहार के सत्ताधारी में टूट तय, उनका कहना है। विधायकों को प्रलोभन, मंत्री बनाने का ऑफर आरसीपी सिंह के द्वारा, ये लिख रहे हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं, दरअसल जो आरसीपी सिंह के बारे में चर्चा हो रही है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से बातचीत नहीं हो रही है। आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार की नाराजगी भी दिखी थी, उन्होंने बधाई नहीं दिया था आरसीपी सिंह को मंत्री बनने पर। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर भी अंदरखाने में जो खलबली मची हुई है उसके बारे में लिख रहे हैं राकेश रोशन जो हैं प्रवक्ता हैं जो। उसके बाद आगे वो लिख रहे हैं, नीतीश कुमार जी को अब सिर्फ जनता का भरोसा, इसलिए जनता दरबार चालू आने जाने की सुविधा भी देंगे। तो जनता दरबार के बारे में वो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को जनता का ही भरोसा रह गया है, क्योंकि पार्टी के अंदर उन्हीं से दगाबाजी हो रही है। आरसीपी सिंह प्रकरण को वो जोड़ते हुए बता रहे हैं कि अब जनता दरबार ही उनका सहारा है, जनता ही उनका सहारा है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया है। पार्टी के लोग ही अब उनसे दगाबाजी में जुटे हुए हैं। इस तरह की बात करते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता राकेश रोशन। और अब आगे वो लिखते हैं, अब जनता आपके साथ नहीं आने वाली, पार्टी भी गई व जनता के बीच की साख भी। तो उनका कहना है कि अब आपके हाथ से पार्टी भी चली गई और जनता के बीच की साख भी चली गई, अब जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। तो जनता दरबार लगाया है नीतीश कुमार ने, तो उस पर हमला बोल दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ा बड़ा हमला बोलते हुए कह दिया कि आरसीपी सिंह ने जो है विधायकों को प्रलोभन भी दे दिया है, मंत्री बनाने का ऑफर भी दे दिया है। इस तरह की बातें बता रहे हैं चिराग की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राकेश रोशन। उनका कहना है कि बिहार के सत्ताधारी दल में टूट तय है और नीतीश कुमार के पास अब कोई रास्ता नहीं बसा है, इसलिए वो जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता के दरबार में जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के जो उनके विधायक और नेता हैं उनके खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। और अब आने वाले समय में न जनता हाथ आने वाली है न पार्टी, यानी नीतीश कुमार के हाथ से जनता भी गई, पार्टी भी गई और सत्ता भी जाने वाली है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।